डियर स्टूडेंट, ये हम लोग एस सी वर्मा का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने प्रीवियस क्लास में कहा था कि जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 ये आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। 23 कहता है टू आइडेंटिकल पिथ बॉल्स आर चार्ज बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू टू स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच। ये पिथ बॉल पेंडुलम यहां से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से एक रिजिड सपोर्ट से दो पिथ पेंडुलम को सस्पेंड कर रखा है और दोनों का लेंथ दे रखा 20 सेंटीमीटर। सस्पेंशन पॉइंट कहता है 5 सेंटीमीटर, तो इनिशियली ये 5 सेंटीमीटर है। अब इक्विलिब्रियम जब आता है तो ये कहता है 3 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली जब इक्विलिब्रियम होगा तो देर इज सम अट्रैक्शन, चूंकि डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है तो ये इसका पोजिशन जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये न्यू पोजीशन हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर इधर से शिफ्ट किया, इधर से 1 सेंटीमीटर, तो इनके बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर हो गया। और 3 सेंटीमीटर हो गया इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज है एक पर और एक पर नेगेटिव है, तो देर इज एन अट्रैक्शन अलोंग दिस डायरेक्शन और टेंशन इन द स्ट्रिंग टी एक्ट करेगा, तो टी इस डायरेक्शन में एक्ट किया। अब टी के कंपोनेंट ले लेंगे, इधर के कंपोनेंट टी कॉस थीटा, इधर का कंपोनेंट टी साइन थीटा और वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इन इक्विलिब्रियम टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू फोर्स एफ, ये रिलेशन हम लोगों को मिल गया। अब इस कंडीशन में हमें मास ऑफ इच बॉल और टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को एंगल का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो ये एंगल हम लोगों ने थीटा लिया है, तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा और ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और स्ट्रिंग का लेंथ दे रखा है। तो इस कंडीशन में साइन थीटा का वैल्यू हो गया परपेंडिकुलर, तो 1/20 ये यूज कर लेंगे। एंगल स्मॉलर है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा अप्रोक्सीमेटली टैन थीटा, इसलिए साइन थीटा और टैन थीटा का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 है हमारा, ये इक्वेशन 2 है। अब इससे हम लोग दोनों को डिवाइड कर दें तो टैन थीटा बिकम्स एफ बाई एम जी। टैन थीटा का वैल्यू 1/20, फोर्स हम लोगों को फाइंड करना है, एम जी फाइंड करना है, तो एफ तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, तो ये 9 × 10⁻⁹ आइडेंटिकल है चार्ज और इस चार्ज का वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁻⁸ होल स्क्वायर डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम 3 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, और ये m फाइंड करना है तो m g का वैल्यू 9.8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m का वैल्यू 8.2 ग्राम आ रहा है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। और सेकेंड पार्ट में कहता है टेंशन फाइंड करना है, तो इस दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। एफ का वैल्यू यहां से हम लोगों ने मेजर किया हुआ है, तो टी बिकम्स अंडर रूट एम जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू टी का वैल्यू 8.2 × 10⁻², ये आ जाएगा। ये आप इजिली कैलकुलेट कर सकते,
क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में दो स्मॉल स्फीयर्स है, दोनों के मासेस दे रखे हैं इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से, ये कनेक्टेड है और लेंथ दे रखा 4 सेंटीमीटर और ये चार्ज फाइंड करना है इसमें। तो चार्ज फाइंड करने के लिए हमने एक बहुत सिंपल आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे रखा है। जैसे इस कंडीशन में रिपल्सिव फोर्स इधर एक्ट करता है सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, टेंशन टी, इसके कंपोनेंट निकालते हैं तो टी कॉस थीटा, इधर का कंपोनेंट टी साइन थीटा, वेट एम जी। तो इन इक्विलिब्रियम टी कॉस थीटा एम जी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू फोर्स, तो टैन थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एम जी। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये बहुत कॉमन रिलेशन आपको याद रखना चाहिए और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये एल है तो ये एल साइन थीटा हो जाता है, तो ये 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एम जी, तो फाइनली क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर एम जी टैन थीटा साइन स्क्वायर थीटा आता है रिलेशन। अब इसमें हम लोगों को फाइंड करना है चार्ज का वैल्यू, इस इक्वेशन में डाल देंगे चार्ज का वैल्यू मिल जाएगा। यहां पर साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टैन थीटा दोनों का वैल्यू सेम है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप तो 4.17 इंटू 10⁻¹ कूलम आ जाएगा। यह रिलेशनशिप आप याद रखें, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 भी बिल्कुल इसी तरह से है, सेम कंडीशन है, यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ये जो रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट से मास का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो मास को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर, ये टैन थीटा डिवीजन में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा और ये 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर जी और ये साइन स्क्वायर थीटा, शायद यही रिजल्ट है। तो 25 भी हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में एक पार्टिकल का चार्ज दे रखा है और ये कहता है बॉब के सिंपल पेंडुलम के जस्ट बिलो है, तो सिंपल पेंडुलम का ये सिचुएशन है और पार्टिकल का ये सिचुएशन है। अब यहां पर इस बॉब का मास दे रखा है जी 100 ग्राम, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो इसके फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को बैलेंस करेगा। इन दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है, सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है तो 0.10 मीटर और हमें क्यू डैस जो इस बॉब पे चार्ज है वो फाइंड करना है। तो इन इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू एम जी, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स 9 × 10⁹ क्यू डैस और ये जो नीचे स्फीयर है इसका वैल्यू क्यू डिवाइड बाय सेपरेशन 0.10 का होल स्क्वायर, मास ऑफ द बॉब है 0.100 जी 9.8 यूज कर लेंगे, क्यू का वैल्यू दे रखा है उसको सॉल्व करेंगे तो क्यू डैस बिकम्स 5.4 × 10⁻¹ कूलम। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी देखा हम लोगों ने,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 27 में दो पार्टिकल है, एक पर चार्ज क्यू है, दूसरे पे चार्ज टू क्यू है। इसके लिए हम लोगों ने पोजीशन को पहले ही इंडिकेट कर दिया ए और बी से। अब एक थर्ड पार्टिकल जिसका चार्ज सी है, इसको क्लैंप किया हुआ है, ये चार्ज सी, चार्ज क्यू सी पॉइंट पर है, इसको क्लैंप किया हुआ है। अब इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन हम लोगों को फाइंड करना है, सेपरेशन बिटवीन देम डी दे रखा है, इसको एक्स एज्यूम कर ले तो रिमेनिंग डी माइनस एक्स ये हो जाएगा। अब इसमें दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है ये पोजीशन कहां पे रखे जिससे इक्विलिब्रियम हो, और दूसरा है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना। तो पहले स्टेप में जब इसको इस पोजीशन पे रखा तो इन दोनों के बीच जो इंटरैक्शन हुआ उसको एफ सी ए से हमने इंडिकेट किया, इन दोनों में जो इंटरैक्शन हुआ उसको एफ सी बी से इंडिकेट किया। तो जब इक्विलिब्रियम होगा तो एफ सी ए इज इक्वल टू एफ सी बी, 9 × 10⁻⁹ कॉमन, इसलिए उसको के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एफ सी ए सी और ए के बीच का इंटरैक्शन तो क्यू क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर के, इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन क्यू इंटू टू क्यू डिवाइड बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करने का भी बहुत इजी वे आपको बता रहे हैं, स्क्वायर को कभी भी एलिमिनेट आप ना करें, तो ये 2x² इज इक्वल टू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। इसको आप रूट टू एक्स के फॉर्म में लिख दे और ये डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट टू एक्स इज इक्वल टू डी माइनस एक्स। तो फाइनली ये एक्स रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू डी, देन एक्स बिकम्स डी बाई रूट टू प्लस वन। तो रेशनलाइज करेंगे तो रूट टू माइनस वन न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में वन हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने पोजिशन फाइंड किया, ये पहला पार्ट था हमारा क्वेश्चन। दूसरा पार्ट कहता है, सेकेंड पार्ट, क्यू का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो इनिशियली जब ये चार्ज क्यू और टू क्यू प्लेस किया तो इन दोनों के बीच के इंटरैक्शन को देखें, जिसको एफ बी ए और एफ ए बी से हम लोग मेजर करेंगे। और थर्ड पार्टिकल को जब इसके बीच रखा तो इन दोनों में इंट्रैक्शन हुआ तो इसका नाम हम लोगों ने एफ सी ए रखा, इन दोनों में इंट्रैक्शन हुआ तो एफ सी बी रखा। अब जब भी हम लोगों को क्यू का वैल्यू फाइंड करना है, टू फाइंड क्यू, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो दो कंडीशन आएगा, एक फोर्स एफ ए बी और एफ सी ए का सम, इसको हम ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप नोट डाउन कर लेंगे, एफ ए बी प्लस एफ सी ए का सम जीरो। सेकेंड ऑप्शन दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एफ सी बी प्लस एफ बी ए का सम जीरो, ये क्यू को मेजर करने का मेथड है। अब सपोज ए कंडीशन को ही हम लोग यूज कर रहे हैं तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ सी ए, के ए पर चार्ज क्यू है, बी पर चार्ज आपका टू क्यू है, इस सेपरेशन इन दोनों के बीच इनिशियली डी दे ही रखा है माइनस के, सी पर चार्ज कैपिटल क्यू है, ए पर चार्ज स्मॉल क्यू है, और ये डिस्टेंस एक्स है जो हम लोगों ने अभी जस्ट मेजर किया, तो डी बाई रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा माइनस सिक्स माइनस फोर रूट टू क्यू। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 भी देखा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में
दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनको स्प्रिंग के दो एंड पर प्लेस किया हुआ है। यहां पर ये स्प्रिंग है दोनों के बीच, यहां पर आइडेंटिकल चार्ज है, 2 × 10⁻¹⁸ कूलम, 2 × 10⁻¹⁸ कूलम। स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है 100 न्यूटन पर मीटर। हमें इलोंगेशन फाइंड करना है, ऑब्वियसली इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो इस स्प्रिंग में जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसको बैलेंस करेगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स इन द स्प्रिंग एस लिख दिया हमने, और ये के एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स 9 × 10⁹, दोनों पे आइडेंटिकल चार्ज है, होल स्क्वायर, सेपरेशन इन दोनों के बीच दे रखा है 10 cm, 0.10 का होल स्क्वायर। स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू आपके पास है 100 × x, मैक्सिमम इलोंगेशन आप फाइंड कर सकते हैं, इट इज 3.6 × 10⁻¹ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 29, एक पार्टिकल हॉरिजॉन्टल टेबल पर है और सेकेंड पार्टिकल उसका मास दे रखा है, उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, ये दो पार्टिकल, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 10 cm। ए और बी पोजीशन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द सेकेंड पार्टिकल दे रखा है, कह तो फाइंड द रेंज विद इन विच द चार्ज ऑफ दिस सेकेंड पार्टिकल में लाई। दो कंडीशन अराइज होगा, यदि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरह एक्ट करेगा। यदि दोनों पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मींस अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको बैलेंस करेगा। तो दोनों कंडीशन में एफ इज इक्वल टू एफ, और ये 9 × 10⁹ चार्ज का वैल्यू दे रखा है, एक का 2 × 10⁻¹⁶, अदर चार्ज का वैल्यू निकालना है, सेपरेशन 10 cm है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग म्यू यूज कर लेंगे, तो म्यू एम जी, तो म्यू 0.2, मास दे रखा है, ग्राम 0.080, और जी का वैल्यू 9.8, तो इससे चार्ज का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो चार्ज बिकम्स 8.71 × 10⁻¹⁸ कूलम। क्वेश्चन नंबर 29 भी हम लोगों ने देखा, क्वेश्चन नंबर 30 में कहते हैं पार्टिकल का चार्ज दे रखा, मास दे रखा है, और कहता है एट द बॉटम ऑफ ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। तो हम लोगों ने इंक्लाइन प्लेन के लिए जो फोर्स है वो ऑलरेडी पढ़ रखा है कि फोर्स ड्यू टू इंक्लाइन प्लेन mg साइन थीटा लग रहा है। अब यहां पर जो भी पार्टिकल का पोजीशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको बैलेंस करेगा, इस कंडीशन में mg साइन थीटा इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल, मास दे रखा 100 ग्राम, 0.100, 9.8, और लेंथ इंक्लाइन दे रखा है, इंक्लिनेशन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज का वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁻¹⁶ होल स्क्वायर, और सेपरेशन हमें फाइंड करना है, ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 27 cm। क्वेश्चन नंबर 30 भी हम लोगों ने देखा, नेक्स्ट है 31। क्वेश्चन नंबर 31,
दो पार्टिकल है, दोनों पे चार्ज आइडेंटिकल है, ए और बी, इस पर चार्ज क्यू, इस पर भी चार्ज क्यू है, इनके बीच का सेपरेशन डी है। कहता है थर्ड पार्टिकल जिसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे प्लेस कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, एट ए डिस्टेंस जो भी पोजीशन है उसको एक्स एज्यूम कर लें, थर्ड पार्टिकल का पोजीशन यहां पे इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया। अब इन दोनों के बीच का इंटरैक्शन देखेंगे तो रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, फिर इन दोनों के बीच का इंटरैक्शन देखेंगे तो रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल एंगल फॉर्म करेगा। अब एफ ए के कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एफ ए कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में एफ ए साइन थीटा लग जाएगा। इसी तरह से एफ बी के कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एफ बी साइन थीटा और इस डायरेक्शन में एफ बी कॉस थीटा। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स विल बी द सम ऑफ एफ ए कॉस थीटा प्लस एफ बी कॉस थीटा। दोनों फोर्स इक्वल है, इसको 2FA cos theta से रिप्रेजेंट कर दिया। इट इज 1/4 pi epsilon naught QQ और ये डिस्टेंस हमारा, ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है तो ऑब्वियसली ये d by 2 हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हमारा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा। अब ये वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें तो x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4, कॉस थीटा बेस एक्स है, हाइपरटेन्यूज एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू दी पावर हाफ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू क्यू एक्स डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 होल टू दी पावर 3/2। अब क्वेश्चन में कहता है कि कहां पर इसको प्लेस करें जिससे इसके बीच फोर्स मैक्सिमम होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स को मैक्सिमाइज करना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, जीरो पुट करते हैं और वो पोजीशन फाइंड करते हैं। इसका मतलब वेरिएबल हमारा यहां एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एफ आर टू बी मैक्सिमम when df by dx 0, तो qq by 2 pi epsilon naught, ये constant quotient rule use किया, x square plus d square by 4 to the power 3/2 whole square, x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 टू दी पावर 3/2, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3/2 x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 टू दी पावर, x कांस्टेंट हो जाएगा nx n माइनस 1 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसको 0 इक्वेट कर देंगे तो ये क्वांटिटी जीरो हो गया। तो सिर्फ न्यूमरेटर की क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू दी पावर 3/2, माइनस साइन है राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू दी पावर हाफ, ये हाफ पावर इसके साथ कैंसिल हुआ तो 1 पावर बचेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 4, देन x बिकम्स d बाई 2√2 प्लस माइनस, इस फॉर्म में पोजिशन आ गया। अब इसका वैल्यू कहता है मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू आप निकालें,
तो फोर्स में इसके वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दें। तो फोर्स ऑलरेडी हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है, एफ आर वन बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर टू दी पावर थ्री बाई टू। इसमें एक्स का वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे तो वन बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू एक्स का वैल्यू डी बाई टू रूट टू डिवाइड बाई एक्स का वैल्यू डी बाई टू रूट टू होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर टू दी पावर थ्री बाई टू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज 3.08 इंटू क्यू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। थर्टी टू भी ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। ए पोजीशन है, इसमें फिगर को वैसे ही रिट्रेस कर दिया, ए और बी। यहां पर चार्ज कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, इस पोजीशन पे चार्ज स्मॉल क्यू। अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा, इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन एफ ए, इन दोनों के बीच का इंटरैक्शन एफ बी, रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया। ये पोजीशन हम लोगों का एक्स है, ये डी बाई टू है। ऑब्वियसली जो फोर्स हम लोगों ने निकाल रखा है वही फोर्स हम लोग यूज कर लेंगे, वन बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर टू द पावर थ्री बाई टू। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का हमारा, जो फोर्स हम लोगों ने फाइंड किया। सेकेंड पार्ट में कहता है एक्स मच स्मॉलर देन डी, तो प्रूफ करना है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो बी पार्ट के लिए एक्स मच स्मॉलर देन डी देन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर टू दी पावर थ्री बाई टू बिकम्स एक्स को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये डी स्क्वायर बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये थ्री बाई टू हो गया, टू और टू कैंसिल, देन डी क्यूब बाई एट हो जाएगा। ये वैल्यूज में सब्सिट्यूट कर दें तो एफ आर इज इक्वल टू वन बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डिवाइड बाई डी क्यूब बाई एट, एक्स हो गया तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया। सी पार्ट कहता है क्वेश्चन का कि अंडर व्हाट कंडीशन विल द पार्टिकल सी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये लीनियर एसएचएम है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो ये कंडीशन तभी होगा जब एक्स स्मॉलर देन डी। तो एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा और फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड फाइंड करना है। इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे और फोर्स का वैल्यू लिख देंगे। आप डायरेक्टली फोर्स यूज कर सकते हैं, दो फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो आप एम ओमेगा स्क्वायर एक्स यूज कर लें या आप एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर यूज कर लें। दोनों तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर यूज कर लिया तो वन बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू और ये एट नोमरेटर में लिख दिया, डी क्यूब एक्स हो गया तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर वन बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट एम आ जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल कर दें तो फोर क्यू क्यू डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब हो गया। इसको 2 पाई बाई टी के फॉर्म में लिख दें तो 4 क्यू क्यू डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यू। इसे टाइम पीरियड फाइंड करेंगे तो टाइम पीरियड बिकम्स 8, सॉरी टाइम पीरियड कैंसिल हो जाएगा 4 और 4 तो ये आ जाएगा एम पाई क्यूब
एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइड बाई क्यू क्यू। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है हम लोगों ने सॉल्व किया। 33 बिल्कुल इसी की तरह है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस को करेंगे।